अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है, क्या ज़कात के पैसों से फ़कीर मिस्किन को घर खरीद कर दे सकते हैं या घर बना के दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे 10 लाख की ज़कात बनती थी, तो 10 लाख का आपने घर खरीद कर दे दिया। इसमें कंडीशन है घर देने के लिए, अहले इल्म कहती हैं दे सकते हैं। एक बुनियादी ज़रूरत है, ये भी घर भी इस इलाके के हिसाब से दे सकते हैं जिस इलाके में और फ़कीर मिस्किन फ़कीर के घर होते हैं। जैसे एक एवरेज घर के हिसाब से, बहुत आलीशान नहीं, एक एवरेज घर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, इस इलाके के मौके फ़कीर मिस्किन के लिहाज से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरे फ़कीर मिस्किन के लिए इनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ये ना हो कि एक पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप मकान बना के दे रहे हैं, एक दूसरे फ़कीर के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो आप एक मिस्किन को घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, दूसरे फ़कीर मिस्किन का हक ना मारा जाए, ये भी एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, पूरे घर खर्चा देने की बजाय किराए का मकान का बंदोबस्त कर दिया जाए, बजाय पूरा घर का खर्चा देने के किराए का मकान का बंदोबस्त कर दिया जाए, इनको पैसे दे दिए जाएँ। ये एक मसला है, कैसे, ठीक है ना, तो ये भी किराया, तीसरी इनको पैसे वगैरह दे दिए जाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।